HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने काफी सांप देखे ही होंगे, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे सांप को देखा है जिसके दो मुंह हों? यदि नहीं तो आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे सांप के बारे में जिसके दो मुंह हैं। देखा जाए तो आमतौर पर सभी सांपों के सिर्फ एक ही मुंह होता है, पर इस सांप के दो मुंह हैं। इसी कारण से यह सांप काफी चर्चा में है। आपको हम बता दें कि यह दो मुंह वाला सांप अमेरिका के अरकानसस क्षेत्र के फॉरेस्ट सिटी में मिला है। इस सांप की फोटो रॉन्डनी कैल्सो और क्विंटन ब्राउन ने खींची थी। जब से इस सांप की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है, तब से वे बहुत तेजी से वायरल की जा रही है। अब तक यह फोटो 15,000 से भी ज्यादा बार शेयर की जा चुकी है। इस सांप को बहुत दुर्लभ तथा विषैला भी कहा जा रहा है। इस सांप को जोनसबोरो के रिज नेचर सेंटर को डोनेट कर दिया गया है। मार्क यंग नामक युवक ने इस सांप की तस्वीर फेसबुक पर जैसे ही शेयर की, वैसे ही लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि यह सांप बहुत डरावना है, तो कुछ लोगों ने इस सांप को बहुत सुंदर बताया। लगभग 11 इंच के इस सांप के बारे में वुड क्रॉले ने कहा है कि तकनीकी तौर पर यह सांप दो सांपों से मिलकर बना है। इस प्रकार के सांप काफी विषैले तथा जंगली होते हैं। वर्तमान में अरकानसस स्टेट यूनिवर्सिटी में इस सांप के स्वास्थ्य को लेकर जांच की जा रही है। यदि सांप का स्वास्थ्य सही हुआ तो उसको वापस प्राकृतिक केंद्र में ले जाया जाएगा।